हाय स्टूडेंट, जीआईटी के ऑनलाइन क्लास में आप लोग का स्वागत है। और आज के क्लास में सीखने वाले हैं वर्कर सैलरी सी एमएस एक्सेल में कैसे बनाया जाता है और इसके लिए क्या स्टेप है और कौन कौन से फॉर्मूले यूज करेंगे हम लोग, वह एक एक करके हम लोग सीखेंगे। तो सभी लोग ध्यान देना, आज जो हम लोग सीखने वाले हैं एक फर्म के लिए जो वहां पे वर्कर काम कर रहे हैं, ठीक है, उसका हम सैलरी शीट क्रिएट कर रहे हैं। तो आज बहुत ही बेसिक हम लोग सीखेंगे और कल जो हम लोग सीखेंगे वो कंपनी लेवल के हिसाब से सीखेंगे, ठीक है। जैसे आज हम लोग को सीखना क्या है कि कैसे अटेंडेंस के हिसाब से हम अटेंडेंस कैसे निकालते हैं और निकालने के बाद उसके हिसाब से सैलरी को कैसे पे करते हैं। लेकिन कल जो पढ़ाऊंगा तो इससे एडवांस हम लोग सैलरी शीट बनाना सीखेंगे, जिसमें एक कंपनी में पीएफ करता है, ईएसआई करता है, टीए, डीए, एचआरए, ठीक है, और उसके बाद से बेसिक सैलरी क्या होता है, ग्रॉस सैलरी क्या होता है, नेट सैलरी क्या होता है, वही कंपनी लेवल के हिसाब से कल का हमारा टॉपिक रहेगा। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, कोई अब्सेंट मत हो। आज भी इम्पोर्टेंट है लेकिन ये छोटे फर्म के लिए है कि छोटे छोटे फर्म जो होते हैं वहां पे जो वर्कर होते हैं उनका अगर सैलरी हमको देना होता है तो कैसे उसके लिए वर्कर सैलरी शीट बनाते हैं और कौन कौन से फॉर्मूले लगाए जाएंगे वो सीखने वाले हैं। तो इसके लिए देखिए मैंने डाटा बनाया है, जितने लोग काम कर रहे हैं मैंने उनका नाम लिख दिया है, जो प्रेजेंट है पी से हमने इंडिकेट किया है, जो अब्सेंट है उसे हमने ए से इंडिकेट किया है, जो छुट्टी लिया हमने एल से बताया, और उसके बाद से हमने निकाला है टोटल वर्किंग डे कितना, प्रेजेंट डे कितना, अब्सेंट डे कितना, लीव कितना लिया है उन्होंने, पर डे उनको हम देते कितना है पैसा, और उसके बाद से टोटल उनको उस हफ्ते में कितना अमाउंट पे करना है, देना है, वो हमने निकाला है और इसी को निकालना हम लोग सीखने वाले हैं। तो नॉर्मल जो छोटे मोटे फर्म होते हैं ना यही पैटर्न होता है, क्योंकि वहां पे पीएफ कटता नहीं है, ईएसआई कटेगा नहीं, डीए वो देगा नहीं, एचआरए देगा नहीं, पीए देगा नहीं, तो जो छोटे मोटे फर्म है ठीक है वहां पे ऐसा ही कुछ बनता है। जैसे मान लो कोई संस्था हो गया छोटा मोटा, तो जैसे हमारा ही है यहाँ पे, कहाँ डीए डीए जैसा यहाँ पे कोई व्यवस्था नहीं है, वैसे छोटे मोटे जो दुकान है फर्म है वहां पे क्या है, बस कितना दिन काम करो वही आपको सैलरी मिलेगा। लेकिन कंपनी जो होता है ना वहां पे सारी सुविधाएं दी गई होती है, महंगाई भत्ता, रहने के खर्च, ठीक है, इलाज के खर्च, ठीक है, प्रोविडेंट फंड जमा होते हैं, वो एक एक करके स्टेप बाय स्टेप होते हैं, उसके लिए भी रूल है, ठीक है। तो आज बेसिक हम लोग कंसेप्ट सीखने वाले हैं, यह क्लियर हो जाएगा तो कल जो मैं पढ़ाऊंगा तो भी बेटर तरीके से आपको समझ आएगा। तो चलिए इसको हम हटाते हैं और कैलकुलेशन करके देखते हैं। तो यह तो आपको इतना बनाना पड़ेगा, तो मान लो हमने अटेंडेंस चढ़ा के रखा है और यही हमको कैलकुलेट करना है, मतलब यहाँ तो हमें कैलकुलेट करना पड़ेगा, तो हमने इसको पूरा डिलीट किया। अब देखिए जो प्रेजेंट है मैंने पी से इंडिकेट कर दिया है, छुट्टी लिया है एल से, अब्सेंट है ए से, अब हमें निकालना टोटल वर्किंग डे, बोला हमारे यहाँ वर्क कितना दिन हुआ और उसमें से कितना दिन आए हैं, कितना दिन अब्सेंट है और कितना दिन छुट्टी ली है, यह हमको ज्ञात करना है। तो उसके लिए सबसे पहले हमें टोटल वर्किंग डे ज्ञात करना हो, तो ध्यान देना टोटल वर्किंग डे ज्ञात करने के लिए हमें काउंट से रिलेटेड फॉर्मूला यूज करना, लेकिन यहाँ पे हमें यूज क्या करना है, काउंट ए फॉर्मूला यूज करना। काउंट ए करता क्या है, सेल में लिखे हुए रिफरेंस को काउंट करता है, अब चाहे वो नंबर लिखा हो चाहे वो कोई टेक्स्ट लिखा हो, अगर उस सेल में कुछ भी लिखा है तो वन काउंट कर लेता है। लेकिन वही अगर दूसरा हम फार्मूला यूज करेंगे तो वहां पे उसका कंसेप्ट अलग होता है। तो यहाँ पे जो टोटल वर्किंग डे निकालना है इसको निकालने के लिए हमें काउंट ए फार्मूले का यूज करना है। तो आते हैं और करते हैं इक्वल काउंट ए,
इक्वल काउंट ए ब्रैकेट ओपन। पूछ रहा है वैल्यू, वैल्यू में हम पूरा वैल्यू सेलेक्ट कर लेंगे। और ब्रैकेट बंद करके इंटर दबा दें। आया सिक्स डे। दिख रहा है? बोलो। तो यहां पे ध्यान दो सभी लोग, यह जो हमने निकाला है टोटल वर्किंग डे, ध्यान दो, जो टोटल वर्किंग डे जो हमारा है वह सिक्स डे है। लेकिन अगर मान लीजिए वहां पे संडे को काम नहीं होता है, छुट्टी रहता है, और उस फर्म में संडे का पैसा दिया जाता है, तो यहाँ पे पीपी चढ़ाएंगे। अगर संडे को छुट्टी रहता है पैसा भी नहीं देते हैं लोग, क्योंकि ज्यादातर कई जगह मैं देखा हूँ फर्म पे लोग क्या करते हैं, जितना दिन आओगे उतने ही का पैसा देंगे। ठीक है, संडे को भले दुकान बंद करेगा, नहीं आओगे तो पैसा भी नहीं देंगे और ना बुलाएगा। तो आप लोग वहां पे देख लेना क्या है, अगर वहां पे संडे को छुट्टी रहता है नहीं आने भी पैसा कटता नहीं है, ठीक है, आना बुलाया जाता है और उस दिन का पैसा दिया जाता है, तो सब में क्या डाल लेना, पीपीपी। अगर ऐसा नहीं है, संडे को ब्लैंक छोड़ देना, तो केवल गिनेगा कितना, टोटल वर्किंग डे सिक्स डे, समझे। अगर रियल में वहां पे संडे का भी मिलता है तो उसके लिए आप पी कर दो, उसमें तो अब्सेंट प्रेजेंट अब्सेंट लीव का कोई बात तो है नहीं, क्योंकि सबको देना है, बस हम ड्रैग एंड ड्रॉप कर दें। ठीक है जी, दिख नहीं रहा है, येलो कर दे। ठीक है, अब यहां पे देखो टोटल वर्किंग डे कितना बता दिया। अब इसमें से हमको पता करना है कि कितना दिन आए हैं, कितना दिन अब्सेंट है और कितना दिन लीव है। तो चलिए इसको सीखते हैं पहले। अब एक बात यहीं पे बता दूं, टोटल वर्किंग जो निकला है काउंट से निकला है, और यहाँ पे हम दो फार्मूला आपको यहाँ पे बता देते हैं। यहाँ पे लिखा ए बी सी, इन सब का अलाइनमेंट हम कर देते हैं लेफ्ट। देखो मैं यहां पे इक्वल करूं, काउंट करूं, काउंट ए करके और ड्रैग एंड ड्रॉप कर दिया, तो देखो क्या होगा। काउंट ए कहता है कि बस उस सेल में कुछ ना कुछ लिखना चाहिए, मैं उसको वन काउंट कर लूंगा, इसीलिए नंबर को भी गिनेगा और टेक्स्ट को भी गिनेगा। और देखो इसका आंसर आया सेवन आया। लेकिन यही पे एक और फॉर्मूला है, ये लोग ज्यादा यूज करते हैं, काउंट। तो काउंट कहता है मैं केवल वैल्यू को गिनूंगा, टेक्स्ट को नहीं गिनूंगा। तो जहां पे वैल्यू टेक्स्ट दोनों गिनना है तो वहां पे हमेशा लगाएंगे काउंट, और जहां पे केवल वैल्यू गिनना हो वहां पे हमेशा लगाएंगे काउंट। देख लो आंसर क्या आएगा, 1 2 3। मतलब इसी एग्जाम्पल के साथ मैंने दोनों बता दिए, यहां लगाया हूं क्या काउंट ए और यहां पर लगाया हूं केवल काउंट। काउंट में देखो आंसर आया 3, काउंट में आया 7। चलो बी के जगह हम कर देते हैं 1। अब देखो यहां पे 4 हो जाएगा और यहां पे 7 ही। सुना रहा ना जी, निकाल लोगे और हिंट के तौर पे लिखना तो लिख लो, इसको काम देगा आगे।
काउंटे लगाएंगे तो क्या आंसर आएगा, और काउंट लगाएंगे तो क्या आंसर आएगा? हो गया टोटल वर्किंग डे के लिए, वही प्रोसेस है, वो तो निकाल लेना आप लोग। टोटल वर्किंग डे क्या लगा हो, इक्वल काउंटे ब्रैकेट ओपन सेलेक्ट ऑल अटेंडेंस ब्रैकेट बंद। देख लिए चलिए, चलो इसमें से कितने, चलिए देखते हैं। इक्वल काउंटिंग पहले पूछेगा रेंज, तो रेंज में आल अटेंडेंस सेलेक्ट कर लेंगे जो हमने चढ़ाया है काम। अब पूछेगा क्राइटेरिया, मतलब इस रेंज में से क्या चेक करना चाहते हो वो हमको क्राइटेरिया में बता दो, तो हम पी चेक करना चाहते हैं कितना बार है गिन के बता दो, ब्रैकेट बंद इंटर। 6 दिन है प्रेजेंट है यहाँ, और एक का निकाल दिए तो ऐसे सबका निकाल देंगे। सेवन डे काम हुआ, कोई 6 डे आया, कोई 3, कोई 5, 3 3 6, 3 5 3 3। तो ऐसे गधे जो होते हैं जो 7 दिन काम होता है और 2 दिन 3 दिन आते हैं, उस साल भर में 5 6 नौकरी छोड़ देते हैं, कोई रखता नहीं, और यही आदत तुम्हारी है। ठीक है, तुम ही कहीं काम नहीं कर पाओगे, ये आदत रहेगी, कार करोगे नहीं तुम लोग। क्यों? क्योंकि 8 घंटा ड्यूटी करा रहा है, पैसा कम दे रहा है, पहले पैसा चाहिए 20,000। ठीक है, तो ना 20,000 कमाओगे और ना कहीं काम सही से मिलेगा, मेहनत करना पड़ता है। तो आज नहीं मेहनत करोगे ना तो फ्यूचर में वही है, ज्यादा मेहनत करना पड़ेगा, ना चाह के भी करना पड़ेगा। अब तुम लोग को कोई मान लो वैसे नॉर्मल रास्ते पे घूमोगे तो कोई पूछने वाला है नहीं, कहेगा चलने वाला है, इतना स्मार्ट हैंडसम लग रहा है, ले जाके कमाए खाए। ठीक है, नहीं तो न्यूज पे आया था ना अभी कि भीख मांग